जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी सबको? सब वालेकुम सलाम जी सर। वालेकुम वेरी गुड जी। सलाम जी सर। आ रही तो बेटा, कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में से तो पूछे, किसी को कोई क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था? मेरे ख्याल से ऐसा जो हम लोगों ने डिस्कशन की थी उनमें से कोई क्वेश्चन खुले जी? ये कौन था मौली साहब? सीआर पता नहीं चला सर, पता पता नहीं चला। नहीं कौन। अच्छा, कोई उसने अननोन नेम रखा हुआ था, थोड़ा अजीब सा। चले कोई बात नहीं है, बच्चे शरारतें करते हैं, ऐसे शरारतें करने से उनको क्या फायदा मिलता है? कर लेने दें इनको शरारतें। ये तैयब तैमूर कौन है? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सलाम। तैयब, आपके नाम के साथ बेटा रोल नंबर नहीं लिखा हुआ? सर, वो पता नहीं चला। कल मैंने बताया था तो आपने ना अपने नाम के साथ रोल नंबर भी बेटा लिखना नेक्स्ट क्लास में। इंशाल्लाह सर नेक्स्ट क्लास में मैं लिखूंगा सर। 28901 है रोल नंबर। ठीक है। चले बेटा, कल लास्ट टाइम हम लोग एक क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे थे। आपके क्वेश्चन का, आपके क्लास फेलो का क्वेश्चन था, वो हाफ डुप्लेक्स की बात कर रहा था। मुझे आई थिंक उसका नाम अभी याद नहीं है, कौन है वो? अगर है इसको कल क्लास में तो जरा बता दे। जब कल क्लास एंड हुई थी तो इंटरनेट सर्फिंग से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। उसने क्वेश्चन पूछा था जी, उसने इंटरनेट से पढ़ा है कि इंटरनेट सर्फिंग जो है वो हाफ डुप्लेक्स है, आप सर फुल डुप्लेक्स कह रहे हैं। चलो इतना तो फायदा हो गया ऑनलाइन क्लासेस का कि बच्चे जो है ना वो साथ साथ इंटरनेट से देख लेते हैं कि जो यस टीचर सर हैं वो जी। ठीक पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। जी, कौन है वो बच्चा? किधर जी सर जी। है? इब्राहिम है हाँ जी सर। जी। इब्राहिम, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक सर, आप सुन ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, कल जो आप डिस्कशन कर रहे थे, हमारी क्लास एंड हो गई थी, जरा आप कह रहे थे जी मैंने इंटरनेट से जी देखा है, सर। कह रहे थे कि जब आप वेबसाइट को, किसी वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं या वेबसाइट के लिए आप ओपन करते हैं तो पहले डाटा जाता है, रिक्वेस्ट जाती है, फिर फुलफिल होके वापस आती है, तो ये हाफ डुप्लेक्स हुआ। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आप एक टर्म यूज कर रहे थे इंटरनेट सर्फिंग। ठीक है जी, जी सर ये दो डिफरेंट चीजें हैं, इंटरनेट सर्फिंग और वेब जी सर्फिंग दो डिफरेंट चीजें हैं। इंटरनेट के सर ऊपर आप लोग सिर्फ वेबसाइट्स को एक्सप्लोर नहीं करते, बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, इंटरनेट सर्फिंग से मुराद ये है बेटा कि इंटरनेट के ऊपर आप डिफरेंट टास्क को सेम टाइम पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक आप जूम के थ्रू मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं और आपने कुछ डाउनलोडिंग वर्क भी लगाया हुआ है और साथ में आपने कुछ अपलोडिंग वर्क भी लगाया हुआ है। सेम टाइम पर आप मुझे बताएं, हम लोग डाउनलोडिंग और अपलोडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हेलो, ना जी इब्राहिम किधर चले गए हैं? सेम टाइम पर बेटा हम लोग ये इतने सारे टास्क जो है वो इंटरनेट के थ्रू कर रहे होते हैं। जो कल आप बात कर रहे थे वेब, वो बेसिकली इंटरनेट सर्फिंग, लिखने वाले ने उसको कैसे लिखा है, लिखने वाला उसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, जी सर। हम उसका माइंड नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो वेब सर्फिंग है ना, वेब सर्फिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही कह रहा है, क्योंकि जब हम लोग किसी जी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली पहले उस सर्वर के पास वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वो वेब सर्वर हमें रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर ठीक है हैंड सर। जो इंटरनेट सर्फिंग है, इंटरनेट जी सर्फिंग सर। डिफरेंट थिंग है। उसमें हम लोग सेम टाइम पे, मैं बोल रहा हूँ दैट मीन्स के मैं सेंड कर रहा हूँ, आप लोगों तक पहुंच रहा है। ऑन द अदर हैंड सेम टाइम पे मेरे पास जो है वो डाउनलोडिंग पे भी कुछ चीजें लगी हुई हैं और बहुत सारी दूसरी दूसरी चीजें भी लगी हुई हैं। आप अब इधर से बोल रहे हैं, सेम टाइम पे आप बोल रहे हैं, मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर।
नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। आप बोले ना, मैं बोलता हूँ, फिर सुन देखिएगा मेरी बात आप तक आती है कि नहीं आती। सो ये फुल डुप्लेक्स, ठीक है जी, नेक्स्ट चलें। जी सर, तो नेक्स्ट हमारे पास फुल डुप्लेक्स है जी। फुल डुप्लेक्स में हम कहते हैं सेम टाइम पर सेंडिंग और रिसीविंग हो सकती है, सेम टाइम पर दोनों जो स्टेशन हैं, दोनों जो डिवाइसेज हैं, सेम टाइम पर डाटा को सेंड कर सकते हैं। तो जब आप लोग वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली, तो यहाँ पर हम लोग स्टेशन की बात कर रहे हैं, किसी हमने सर्वर की बात नहीं की। ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर ये स्टेशन डाटा सेंड कर रहा है, सेम टाइम पे ये स्टेशन भी डाटा सेंड कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो सेम टाइम पे आप भी बोल सकते हैं, मतलब मेरा डाटा भी जा रहा है, आपका डाटा भी जा रहा है, लेकिन वो डिफरेंट थिंग है। वो जो आप यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि वेब सर्वर होता तो एक टाइम पे उसके पास रिक्वेस्ट जानी थी, दूसरे टाइम पे उसने फुलफिल करनी थी, क्योंकि वो तो सेम टाइम पे फुलफिल कर ही नहीं ना सकता, क्योंकि सेम टाइम पे अगर उसके पास रिक्वेस्ट पहुंची नहीं है तो वो कैसे फुलफिल कर देगा मेरी रिक्वेस्ट को। तो दैट इज अनदर थिंग। तो टेलीफोनी हमारे पास जो कम्युनिकेशन है, दैट इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हम लोग डाटा कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा, डाटा कम्युनिकेशन के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टाइम से। डाटा कम्युनिकेशन के बारे में हमने देखा कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है, डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन जो कि डिस्टेंस पे की जाती है, जिसमें डाटा को सेंड एक्सचेंज किया जाता है, और वो डाटा जो एक्सचेंज होता है वो दैट माइट बी इन एनी फॉर्म, दैट माइट बी अ टेक्स्ट, दैट माइट बी एन इमेज, दैट माइट बी अ वीडियो एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो डाटा कम्युनिकेशन है वो क्या होती है, हमने कल उसके बारे में देखा था। फिर हमने उसके कंपोनेंट्स देखे, डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कितने होते हैं। हमने देखा कि 5 कंपोनेंट्स होते हैं डाटा कम्युनिकेशन के। एक होता है सेंडर, एक मीडियम, एक रिसीवर, एक मैसेज, एंड लास्ट वन इज प्रोटोकॉल। तो उनके बारे में डिस्कशन की हमने। फिर हम लोगों ने ट्रांसमिशन मोड्स, जो कि डाटा ट्रांसमिशन किस किस मोड में हो सकता है, दैट इज रिलेटेड टू डाटा कम्युनिकेशन, हमने ट्रांसमिशन मोड्स को देखा। हमने देखा कि ट्रांसमिशन मोड में पहला ट्रांसमिशन मोड सिंप्लेक्स मोड है, दूसरा ट्रांसमिशन मोड है आप डुप्लेक्स है, तो तीसरा ट्रांसमिशन मोड जो है वो आपके पास फुल डुप्लेक्स है। तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं जी नेटवर्क की तरफ। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क को बेटा आप लोग बहुत सिंपली डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि नेटवर्क इज अ कम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस, नेटवर्क इज अ कम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू मीडियम टू शेयर रिसोर्सेज। देखिए नेटवर्क बनाना क्यों है, नेटवर्क क्यों स्टैब्लिश किया जाता है, नेटवर्क क्यों बनाया जाता है? नेटवर्क इसलिए स्टैब्लिश किया जाता है जी के यू वांट टू शेयर समथिंग। नेटवर्क इसलिए स्टैब्लिश किया जाता है यू वांट टू कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में आप शेयरिंग ही करते हैं, कम्युनिकेशन में आप अपनी थॉट्स की शेयरिंग करते हैं, कम्युनिकेशन में आप अपनी फाइल्स की शेयरिंग करते हैं, कम्युनिकेशन में आप इमेजेस की शेयरिंग करते हैं, कम्युनिकेशन में आप वीडियो क्लिप्स की शेयरिंग करते हैं, कम्युनिकेशन में आप उस बात की शेयरिंग करते हैं जो कि आपके माइंड में एग्जिस्ट करती है। यू वांट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस। कम्युनिकेशन में आप लेक्चर डिलीवर करते हैं, मतलब कोई चीज आप तक शेयर करनी है। अब हम क्यों कम्युनिकेशन कर रहे हैं जी, हम इसलिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि मैं आप तक कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में जो चीजें हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में जो मटेरियल है वो आप तक शेयर कर सकूं। तो पर्पस बेसिकली क्या था नेटवर्क को बनाने का, पर्पस ये था कि वी वांट टू शेयर समथिंग, कुछ भी हम लोग जो शेयर करना चाहते हैं तो कैसे होगा। जब उसके बारे में सोचा गया तो एक डिसीजन पर पहुंचा गया, वो डिसीजन ये था कि भाई इनको आपस में जोड़ा जाए डिवाइसेस को, तो कैसे जोड़ा जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए,
फिर उसका डिफरेंट वेज जो है वो देखेंगे, वो कैसे जोड़े जाते हैं, कैसे डिफरेंट वेज हैं, वो बाद में बाद की बात है। लेकिन अगर हम लोग नेटवर्क को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ मुश्किल चीज नहीं है। हम कहते हैं जी कि नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट, तीन पार्ट्स हैं इस डेफिनेशन के जो मैं बोल रहा हूँ, जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस, पहला पार्ट कनेक्टेड थ्रू अ मीडियम, सेकेंड पार्ट टू शेयर रिसोर्सेज, थर्ड पार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू अ मीडियम टू शेयर रिसोर्सेज। तो डिवाइसेस जो है वो कोई भी हो सकती हैं, डिवाइसेस आपका सेलफोन भी हो सकता है, डिवाइस आपका टैबलेट भी हो सकता है, डिवाइस आपका लैपटॉप भी हो सकता है, डिवाइस आपका पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है, डिवाइस आपका स्विच भी हो सकता है, डिवाइस आपका हब भी हो सकता है, कोई भी नोड रेफर्ड टू एज नोड यहाँ लिखा हुआ है। अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी तो वेरी सिंपल डेफिनेशन क्या थी कि कॉम्बिनेशन है डिवाइसेस का, उसको हम लोग किसी ना किसी मीडियम के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, वो मीडियम वायर्ड भी हो सकता है, वो मीडियम वायरलेस भी हो सकता है, तो उसके थ्रू कनेक्ट करके हम लोग जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। अब हम लोग ये नेटवर्क की डेफिनेशन जो आपकी साइड पे लिखी हुई है इसको जरा पढ़ के और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस ऑफन रेफर टू एज नोड्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। कम्युनिकेशन लिंक्स, लिंक जो हम लोगों ने कल भी देखा था, हमने डिस्कस किया था, आज भी हम बार बार बात उसका उसकी उसकी टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज मीडियम। मीडियम को वो यहाँ लिंक कह रहा है, ऐसा जो आपने परेशान नहीं होना। तो कम्युनिकेशन लिंक जो है वो दैट माइट बी अ वायर्ड, दैट माइट बी अ वायरलेस। सो जब आप लोग अपने दो सिस्टम्स को कनेक्ट करेंगे, यू हैव टू थिंक अबाउट कि मैंने इन दोनों को कैसे कनेक्ट करना है, मैं इनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट करूँ या मैं इनको वायरलेसली कनेक्ट करूँ। ठीक है जी, फिर वो यहाँ पर आपको कह रहा है जी, अ नोड कैन बी अ कंप्यूटर, अ नोड कैन बी अ प्रिंटर, अ नोड कैन बी एनी अदर डिवाइस कैपेबल ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डाटा। कोई भी डिवाइस जो कि डाटा को सेंड और रिसीव करने का रिसीव करने की कैपेबल होती है उसको हम लोग नोड कहते हैं। तो डेफिनेटली आपका सेलफोन है, आपका लैपटॉप है, आपके कंप्यूटर्स हैं, आपके पाम टॉप्स हैं, आपके टैबलेट्स हैं, ये सारी डिवाइसेस जो हैं वो डाटा को सेंड और रिसीव करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो यहाँ पर आप हो सकता है कंफ्यूज हो कि प्रिंटर जो है वो कैसे, बेटा प्रिंटर भी हमारे पास नेटवर्क बेस्ड जो है वो प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर्स को हम लोग नेटवर्क का पार्ट बना लेते हैं, प्रिंटर्स को नेटवर्क के ऊपर शेयर किया जाता है, प्रिंटर्स को नेटवर्क के ऊपर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है वो एक अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं छोटा सा अपने घर में, चार सिस्टम्स का, आपके घर में चार कंप्यूटर्स हैं और एक प्रिंटर है, और आपको अगर प्रिंटआउट लेने हैं तो आपको प्रिंटर अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, आपके भाई को प्रिंटआउट लेने हैं तो उसको प्रिंटर अपने सिस्टम के साथ प्लग करना पड़ेगा, इसी तरह आपके तीसरे थर्ड भाई को प्रिंटआउट चाहिए तो वो अपने प्रिंटर सिस्टम के साथ प्रिंटर को प्लग करेगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम इसका सांसद तरीकाकार ये है कि अगर हम उन चार सिस्टम का नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं, उन चार सिस्टम का नेटवर्क बना दें और प्रिंटर को एक सिस्टम के साथ लगा के तो प्रिंटर को शेयर कर दें, तो प्रिंटर को जब हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है जी, जब प्रिंटर को शेयर करेंगे तो वो प्रिंटर जो है उस नेटवर्क के ऊपर शेयर हो जाएगा। तो आप अपने सिस्टम को यूज करते हुए प्रिंट की कमांड सेंड करेंगे तो बेशक जो प्रिंटर है वो आपके ब्रदर के सिस्टम के साथ प्लग है तो आपको वहां से जो है वो आपके मिल जाएंगे, प्रिंट आउट मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने बाय एस्टैब्लिशिंग अ नेटवर्क ऑफ फोर सिस्टम्स हमने एक प्रिंटर को शेयर कर लिया। दिस इज अ बेनिफिट ऑफ नेटवर्क, एक छोटा सा मैंने आपको बेनिफिट बताया, अदरवाइज बहुत मेजर बेनिफिट्स हैं। ये मेजर बेनिफिट ये है कि हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं, ये मेजर बेनिफिट ये है कि आप लोग जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं फाइल्स, आपको पता भी नहीं होता किस सिस्टम से आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और वो सिस्टम कहाँ पड़ा हुआ है, किस कंट्री में पड़ा हुआ है, तो आप फाइल डाउनलोड कर लेते हैं खामोशी के साथ। तो आप मीन्स के ये दीज आर द बेनिफिट्स। सो नेक्स्ट चलते हैं जी, लिंक के बारे में वो कह रहा है जी कि लिंक कैन बी अ केबल, लिंक कैन बी एयर, ऑप्टिकल फाइबर और एनी मीडियम विच कैन ट्रांसपोर्ट अ सिग्नल कैरिंग इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने ये कल बातें
बड़ी डिस्कशन बड़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस की है कि वायर्ड मीडियम होता है, वायरलेस मीडियम होता है, वायर्ड मीडियम में ऑप्टिकल फाइबर है, कोएक्सल केबल है, यूटीपी केबल है, और वायरलेस मीडियम के अंदर आपके पास जी माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, और डिफरेंट आप लोगों के पास टेक्नोलॉजी हैं जो आप लोग आगे जाके देखेंगे। तो दिस इज अ ब्रीफ डेफिनेशन, ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क्स। तो नेटवर्क जो है वहाँ पर के नेटवर्क के बारे में जो बेसिक हमें कंपोनेंट्स या टॉपिक डिस्कस करने हैं वो यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस चेक की जाती है, नेटवर्क कितना रिलायबल है इसके बारे में चेक किया जाता है, नेटवर्क आप लोगों के पास कितना सिक्योर है इसके बारे में चेक किया जाता है, आपने इंटरनेट का जो कनेक्शन लिया हुआ है, आप सब ने आप अपने इंटरनेट के कनेक्शन की या आप अपने नेटवर्क के कनेक्शन की परफॉर्मेंस को कैसे एवेल्युएट करते हैं, आप उसको एवेल्युएट करते हैं यार इसकी जो स्पीड ही बहुत स्लो है। जस्ट लाइक समटाइम नहीं, एक दफा मैं वॉक करने गया हुआ था, तो मैं वॉक करने के बाद जब वहां पर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहा था तो पास 3-4 लोग खड़े थे, वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि यार पीडीसीएल का कनेक्शन सही नहीं है, पीडीसीएल वाले 10 MB का कनेक्शन देते हैं, स्पीड 2 MB वाली आती है, वो नेयरटेल जो है वो बहुत अच्छा है या स्टॉर्म फाइबर जो है वो बहुत अच्छी है। मीन्स के क्यों अच्छी है जी, कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये है वो फेलियर कम होता है उनका। पीडीसीएल वालों का तो आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आया रहता है, आपको कंप्लेन करनी पड़ती है या पीजीसीएल का जो नेटवर्क है वो सिक्योर नहीं है, लोग जो है वो उसके नेटवर्क को एक्सेस करके मेरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, मेरी जो कम्युनिकेशन है उनको रीड कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोग आपस में डिस्कशन करते हुए भी इसी तरह ही बातें करते हैं, आप कहते हैं यार पीजीसीएल की जो पीजीसीएल पर जो इंटरनेट है ना उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो ये आजकल 2-3 नए नेटवर्क आए हुए हैं, दैट इज नेयरटेल है, दैट इज स्टॉर्म फाइबर है। चलें अगर आप लोग इनसे फेमिलियर नहीं है, आप होप्सो के फेमिलियर होंगे इन सब से, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक मोमेंट के लिए ज्यूम कर लेता हूँ आप इनसे फेमिलियर नहीं है, तो आप अपने अपने सेलफोन सेलुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर आप देखते हैं जी कि जो जैज वाले हैं जी उनका 3G बहुत अच्छा है, जो यूफोन वाले हैं उनका 3G अच्छा नहीं है, जो फलानी कंपनी है उसका 3G बहुत अच्छा है जी, फलानी का 4G बहुत अच्छा है, यूफोन के 3G पे बहुत कम स्पीड आती है, जैज के 3G पे बहुत अच्छी स्पीड आती है। मतलब आप ये क्या कर रहे हैं, ये जो आप आपस में इस तरह की डिस्कशन करते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आप उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, उसकी रिलायबिलिटी के बारे में, उसकी सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन आप फॉर्मली नहीं कर रहे होते, आप इनफॉर्मली कर रहे होते हैं। तो डिपेंड्स ऑन नेटवर्क एलिमेंट्स, नेटवर्क एलिमेंट्स के अंदर, नेटवर्क के अंदर जो जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं अगर हम लोग अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना चाहते हैं। तो सेकंडली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिले एंड थ्रूपुट, ये इसका क्या मतलब है, कोई आइडिया आप दे सकते हैं, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिले एंड थ्रूपुट? स्पीड है ना, इन शॉर्ट स्पीड, इन शॉर्ट आप जो है वो स्पीड के बारे में डिस्कशन करते हैं। डिले का मतलब है कि कितना लेट रिस्पॉन्स आ रहा है, थ्रूपुट का मतलब होता है कि आउटपुट कितनी जल्दी आ रही है, एक टाइम के अंदर आप लोग जो है ना वो कितनी स्पीडी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जब आप लोग बात करते हैं यार कि पीजीसीएल वाले जो है वो तो एक वेबसाइट को ओपन करते करते, पीजीसीएल का जो इंटरनेट है एक वेबसाइट को ओपन करते करते 2 मिनट लगा देता है, जो स्टॉर्म फाइबर का इंटरनेट है वो एक वेबसाइट को ओपन करने में 1 मिनट लगाता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी नेयरटेल या स्टॉर्म फाइबर वालों की थ्रूपुट ज्यादा है, स्टॉर्म फाइबर वालों की स्पीड ज्यादा है। तो नेटवर्क एलिमेंट्स में आप लोगों के पास आपके हार्डवेयर हैं, आपके सॉफ्टवेयर हैं, आपके प्रोटोकॉल्स हैं, और इन तीनों चारों का आपस में रिलेशनशिप है। देखिए आपका हार्डवेयर कैसा अच्छा काम कर रहा है, आपको पता है समटाइम हमारे पास ये जो पीजीसीएल वाले मॉडम रखे जाते हैं इंटरनेट का, या हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट लगवाते हैं तो हमारे घर में ये मॉडम प्लेस करके जाते हैं, हम कहते हैं ये बहुत पुराना हो गया, ये खराब हो गया, ये स्पीड कम आ रही है इसकी वजह से, होता है ना ऐसा कि नहीं होता?
या मेरा सॉफ्टवेयर जो यस अभी सर हमारा यस सर सॉफ्टवेयर रिजवान, कोई क्वेश्चन है आपको? रिजवान रेज्ड हिज हैंड, तो जी पूछ लो अगर कोई क्वेश्चन है तो। नहीं क्वेश्चन नहीं है, कुछ रात में घबरा होगा। चले तो डिपेंड्स ऑन नेटवर्क एलिमेंट से मुराद ये है कि हाउ एफिशिएंटली योर हार्डवेयर ऑफ योर नेटवर्क इज वर्किंग, हाउ एफिशिएंटली द सॉफ्टवेयर ऑफ योर नेटवर्क इज वर्किंग, हाउ एफिशिएंटली प्रोटोकॉल्स वर्किंग ओवर योर नेटवर्क। फिर आप कहते हैं जी के जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाता है इन नॉर्मल फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ द डिले एंड थ्रूपुट। रिलायबिलिटी फेलियर रेट ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स, नेटवर्क के जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, नेटवर्क के जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, नेटवर्क के जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर जो है वो कब कितनी देर में फेल हो जाता है, 2 माह में, 4 माह में, 2 साल में, 6 साल में। अगर तो डेली बेसिस पे जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े गैप के साथ फेल होता जाएगा तो आप कहेंगे यार ये तो नेटवर्क रिलायबल ही नहीं है, मैं अपना इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट से बहुत इम्पोर्टेंट फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, या मैं बहुत इम्पोर्टेंट मेरी मीटिंग चल रही है, चले फाइल तो बाद में भी डाउनलोड हो जाएगी, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, अचानक से जो पीजीसीएल का नेटवर्क है उसका कंपोनेंट फेल हो जाता है, ये तो मुसीबत वाली बात है। दैट मीन्स कि आई कैन नॉट रिलाई ओवर द नेटवर्क ऑफ पीजीसीएल, ठीक है, या आई कैन रिलाई ओवर द नेटवर्क ऑफ पीजीसीएल, आई कैन नॉट रिलाई ऑन द नेटवर्क ऑफ नया टेला स्ट्रॉन्ग फाइबर। तो रिलायबिलिटी से क्या मतलब होती है, रिलाई करना। मैं अगर रिलाई करता हूँ भाई कि पीजीसीएल का नेटवर्क ठीक है, ये ज्यादा फेलियर नहीं है इसके अंदर, तो दैट मीन्स कि पीजीसीएल का नेटवर्क मेरे लिए रिलायबल है, ठीक है जी। मीन्स कि आजकल एक छोटी सी एग्जाम्पल आई हुई है यूनिवर्सिटी के नेटवर्क के अंदर, आजकल आई हुई है, तो वो अगर आजकल हमारी कोशिश होती है रेगुलर डेज में कि हम जो क्लासेस पढ़ा रहे हैं ना घर बैठ के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि घर में इंटरनेट ठीक चल रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंटरनेट का प्रॉब्लम है ना वो जरा मुश्किल ज्यादा हो गया है, तो आजकल हम लोग अपने यूनिवर्सिटी के नेटवर्क के फॉर एग्जाम्पल रिलाई नहीं कर रहे, हम अपने घर में जो मैंने पीजीसीएल का कनेक्शन लगाया है मैं उस पर रिलाई कर रहा हूँ। तो रिलायबिलिटी से मुराद होता है कि फेलियर जो है ना, फेलियर रेट कितनी स्पीड के साथ, मतलब कितना ज्यादा या कितना कम आपका नेटवर्क के कंपोनेंट्स जो है वो फेल हो रहे हैं। कंपोनेंट फेल होने से मुराद ये है कि आपका पीजीसीएल का मॉडम जो प्लेस किया हुआ है वो फेल हो जाता है, वो काम करना छोड़ देता है, अचानक से आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है या नया प्लेस करवाना पड़ेगा। तो रेयर चांसेस होते हैं, वैसे तो ये रेयर चांसेस होते हैं कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो फेल हो। फिर रिलायबिलिटी को मेयर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी स्लैश रोबस्टनेस, ठीक है। रोबस्टनेस का मतलब ये होता है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है जी नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है नेटवर्क के ऊपर, तो डेफिनेटली मेरे पास कोई ऐसा लिंक अवेलेबल है, मेरे पास कोई ऐसी फैसिलिटी है, या मेरे पास हम कहने जी के ऐसा है कि मेरा डाटा जो है वो एफिशिएंटली जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स तक, दूसरे पर्सन तक पहुंच जाएगा। और एट द एंड सिक्योरिटी को मैयर किया जाता है, देखा जाता है जी कोई एवर स्टॉपर्स तो नहीं है, कोई मैलिशियस यूजर्स तो नहीं है नेटवर्क के ऊपर, कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो, मतलब कोई ऐसा इंटेलिजेंट पर्सन या कोई ऐसा हार्ड या कोई ऐसा हार्ड वर्कर जो है जी वो मेरे हमसाए में रहता है, उसने मेरे नेटवर्क का जो है वो पासवर्ड ब्रेक किया हुआ है, तो पासवर्ड ब्रेक कर लिया किसी तरीके से, वो मेरे नेटवर्क का हिस्सा बन गया, यूज कर रहा है। अगर ये यूज नहीं, ऐसे नहीं है तो ना उसने पासवर्ड ब्रेक किया ना कुछ और किया, लेकिन वो किसी तरह से पीजीसीएल के नेटवर्क में एंटर हो गया है, अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपने पीजीसीएल का नेटवर्क भी यूज कर रहा है और साथ में लोगों की कम्युनिकेशन को रीड कर रहा है। बेसिकली प्रोटेक्शन होती है आपके डाटा के लॉस की, प्रोटेक्शन होती है आपके डाटा को, मतलब तो दूसरे स्टूडेंट जो हैं या दूसरे लोग जो हैं जिनको एवर स्टॉपर कह दिया जाता है, या आसान लफ्जों में हम हैकर कह लेते हैं, वो मिलीशियस यूजर है जो कि अनऑथराइज है, ठीक है जी, एरर तो नहीं आ जाते बार बार। तो दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरिया जिनको अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सो ऑन। फिजिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास फिजिकल टोपोलॉजी आती है, टोपोलॉजी के बारे में आप तो जानते होंगे, इनको भी हम लोग थोड़ा सा शॉर्टली डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो बेसिक और चीज है जो आप लोगों ने देखनी है, दैट इज दिस वन, दैट
that is point to point connection and multi point connection. Point to point connection and multi point connection. ठीक है जी, तो क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, ये आपको डायग्राम कुछ बता रही है? जी कोई पर्सन बता दे. जी सर, एक से ज्यादा सिस्टम पे मतलब नेटवर्क बना हुआ है. जी कोई और? जी सर, ये पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर तो नहीं? आप इसी तरह भी कह सकते हैं जी, आप बिल्कुल ये पीयर टू पीयर क्लाइंट सर्वर कह सकते हैं, लेकिन ये टाइप ऑफ कनेक्शन होती है. जैसे कि आप लोग कह लें कि आपकी टेलीफोन कनेक्शन है, टेलीफोन का जो कनेक्शन होता है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है ना, कि नहीं, कि दो लोग जो है वो आपस में डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, एक जो आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो एक के पास ही जा रहा है, वो किसी दूसरे के पास नहीं जा रहा. Yes, sir. और इसी तरह आप नीचे मल्टी पॉइंट की बात करते हैं, तो मल्टी पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं कि मल्टी पॉइंट के अंदर आपके पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, और वो जो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो आप लोगों के पास क्या कर रहा है जी, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टीपल सिस्टम्स को डाटा सेंड कर रहा है. ऐसा ही है कि नहीं है? तो जब आप पॉइंट टू मल्टी पॉइंट की तरफ जाते हैं कि सेंडिंग साइड में एक सिस्टम होता है और रिसीविंग साइड में मल्टीपल सिस्टम होते हैं. ठीक है जी, तो हमारे पास सर, जी जी बोल रहे हैं, जो ये मल्टी कंप्यूटर्स होते हैं, ये जो होता है मेन कंप्यूटर जिसके साथ अटैच्ड होते हैं, उनको सेंड नहीं कर सकता डाटा? नहीं, वो इंडिविजुअली तो आपस में सेंड करते ही है ना, कर ही सकते हैं, कर क्यों नहीं सकते. लेकिन हम ये कहते हैं कि जैसे आप लोगों के पास अलार्म होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलार्म सिस्टम आ जाता है. यस सर. कि एक जगह से ब्रीच होता है, आप लोगों के पास सिक्योरिटी और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां जहां भी अलार्म लगा होता है वो सारा बजना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो वो डाटा जो सेंड हुआ है वो एक जगह से सेंड हुआ है ना, और मल्टीपल पॉइंट की तरफ चला गया डाटा. आई बात समझ के नहीं आई? यस सर, आ गई. तो हमारे पास मतलब कि वो आपस में कम्युनिकेशन तो कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, लेकिन होता ये है हमारे पास कि सेंडिंग एक साइड से हो रही है तो मल्टीपल रिसीव करने वाले मल्टीपल है. यहाँ पर आपको डाटा की सेंडिंग और रिसीविंग की डायरेक्शन नहीं शो करवाई हुई, जस्ट इतना बताया गया है कि मतलब एक यहाँ से सेंड हो रहा है, यहाँ रिसीव हो रहा है, यहाँ से सेंड हो रहा है, यहाँ रिसीव हो रहा है. ठीक है, मल्टी पॉइंट में क्या है कि अगर इसको देखेंगे तो आपकी सेंडिंग एक है और रिसीविंग मल्टीपल है, मतलब मल्टी पॉइंट से आप लोगों के पास सेंडिंग और रिसीविंग हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं. इसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जब आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी इसकी. ये कौन है जी, ये जो एक बच्चा है उसने बहुत अजीब सा एक लंबा सारा हुजूर में नाम लिखा हुआ है, दैट इज 1FK21BBLWN3BFPRG. अगर तो ये मेरी बात सुन रहा है, अगर इसी क्लास का है तो अपना नाम और रोल नंबर लिख के, अदरवाइज मैं इसको रिमूव कर दूंगा विद इन 5 मिनट्स. नेक्स्ट चलते हैं जी बेटा, नेक्स्ट टोपोलॉजीज हैं. टोपोलॉजी को कैसे डिफाइन किया जाता है? टोपोलॉजी को डिफाइन किया जाता है फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क. फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क से क्या मुराद है? फिजिकल लेआउट से मुराद है कि फिजिकली आप अपना नेटवर्क कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, मतलब कि सिस्टम्स को कैसे कनेक्ट करेंगे. तो वो आप लोग टोपोलॉजीज के बारे में जानते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग इसका ब्रीफ सी डिस्कशन करेंगे, जिसमें आप लोगों के साथ आप लोग देखें कि हम लोग अपने सिस्टम्स को इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम्स को इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं फिजिकली, हम अपने सिस्टम्स को फिजिकली इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम्स को फिजिकली इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं. मीन्स के देयर आर मल्टीपल वेज हम अपने सिस्टम को इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं. देयर आर मल्टीपल वेज के मैंने अपना नेटवर्क इस तरह का बनाना है,
अपने सारे सिस्टम को इस वे में कनेक्ट करना है, मैंने अपने सारे सिस्टम को इस वे में कनेक्ट करना है, मैंने अपने सारे सिस्टम को इस वे में कनेक्ट करना है, या मैंने अपने सारे सिस्टम को इस वे में कनेक्ट करना है, या मैंने अपने सारे सिस्टम को इस वे में कनेक्ट करना है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो सोचना है कि भाई मैं अपने सिस्टम्स को कैसे कनेक्ट करूंगा, दिस इज अ क्वेश्चन। तो जब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर की तरफ जाते हैं ना, तो आप कहते हैं अच्छा मैं नेटवर्क की टोपोलॉजी की बारे बात कर रहा हूँ कि मैंने अपने जो सिस्टम्स हैं उनको फिजिकली कैसे कनेक्ट करना है। तो ये डायग्राम जो आपके सामने आ रही है बेटा, अगर इस डायग्राम को देख के हम नेटवर्क टोपोलॉजी की इस टोपोलॉजी को डिफाइन करेंगे जिसका नाम है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, फिगर आपके सामने है, यू कैन डिफाइन। जी कौन डिफाइन करेगा हमें से? अरे एक डिवाइस, सॉरी, नंबर ऑफ कंप्यूटर जो हैं बगैर किसी सीक्वेंस से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों। बगैर किसी सीक्वेंस के एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों। जी कोई और? सर एक डिवाइस मतलब सारी दूसरी जितनी भी डिवाइसेस उनसे मतलब डाटा शेयर कर सकती है। डाटा शेयर कर सकती है जी। कोई और बात? कोई और स्टूडेंट आप में से? सर जो सारे सिस्टम है वो आपस में कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन। सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ, साफ सब लोगों ने ठीक कहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डेफिशिएंसी डेफिनेटली होती है। इसको जरा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ईच स्टेशन और ईच डिवाइस, या हम कहते हैं जी के ईच कंप्यूटर, जैसे आपका दिल करता है आप इसको डिफाइन कर सकते। ईच स्टेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल अदर स्टेशन ओवर अ नेटवर्क। देखिए जरा, इनडायरेक्टली तो वो कनेक्टेड है ही ना, वो इनडायरेक्टली तो कनेक्टेड होंगे ही क्योंकि वो एक नेटवर्क का हिस्सा है। लेकिन ये एक दूसरी चीज है कि हर सिस्टम जो है ना वो हर दूसरे सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये देखें जरा, ये स्टेशन है ना आपका, फॉर एग्जाम्पल हम इसको नाम देते हैं वन। ये इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। स्टेशन टू देख लें, मैं इसको क्लियर करता हूँ। स्टेशन टू देख लें, ये स्टेशन टू जो है वो इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैंने आपको अभी यही बताया ना कि ईच स्टेशन ऑन अ नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल अदर स्टेशन ओवर अ नेटवर्क। इनडायरेक्टली तो वो कनेक्टेड है ही हैं, होते ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरा स्टेशन जो है वो आपके कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली भी कनेक्ट होता है तो फिर और बात थी। सो मैश टोपोलॉजी को डिफाइन किया जाता है कि ईच स्टेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल अदर स्टेशन ओवर अ ओवर अ नेटवर्क। तो इसका फायदा ये होता है बेटा कि फॉर एग्जांपल अगर ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो ये जो सिस्टम्स हैं वो इस पाथ के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये दो सिस्टम जो हैं वो इस पाथ के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये दो सिस्टम इस पाथ के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये दो सिस्टम जो है वो आप लोगों के पास इस पाथ के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये इस पाथ के थ्रू भी, मींस के देयर आर मल्टीपल पाथ्स टू कम्युनिकेट। ये इसका बेनिफिट है मैश टोपोलॉजी का सबसे बड़ा। लेकिन इसका थोड़ा सा नुकसान ये है कि भाई आप लोगों को केबलिंग बहुत करनी पड़ती है, आप लोगों को कनेक्शन बहुत ज्यादा बनाने पड़ेंगे। अगर आप अपने छोटे नेटवर्क के अंदर जस्ट लाइक आप अपने नेटवर्क अपनी लैब के नेटवर्क की बात कर रहे हैं, आप अपने एक ऑफिस में नेटवर्क बनाते हैं उसकी बात करें, आप मैश टोपोलॉजी बनाने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा केबलिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा केबल्स बनानी पड़ेगी, वाईफाई के ऊपर भी आपकी बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैटर करेगी।
इसके लिए फिर हमें जो है ना वो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, अदरवाइज ये सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी है। जी मोहम्मद उमर आपको क्वेश्चन है जी कोई? जी सर, ये जो नेटवर्क आप अभी डिस्कस कर रहे हैं सर, इसमें जो है सेम टाइम पे सेंडर और रिसीवर डाटा सीव कर सकते हैं या एक टाइम पे सेंड कर सकते हैं या एक टाइम पे रिसीव कर सकते हैं? नहीं, ऐसी तो हमने कोई बात की नहीं है, सेंडिंग रिसीविंग बोथ साइड्स पे हो रही है, सेंडिंग रिसीविंग सेम टाइम पे हो रही है। अगर हाफ डुप्लेक्स होगा तो फिर अल्टरनेटिवली होगी, ठीक है। ट्रांसमिशन मोड फॉर एग्जाम्पल आजकल देखें, आजकल हम जितने भी नेटवर्क बना रहे हैं, आपने कभी कहीं देखा है कि आप लोगों के पास हाफ डुप्लेक्स की फॉर्म में डाटा जा रहा हो? वो सिर्फ कुछ केसेस में है जब आप किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, अदरवाइज आप देखेंगे यहाँ पर सेंडिंग ऐसी कोई बात नहीं है जी आप। लेकिन इसका डिफरेंस ये है कि ये सारी डिवाइसेज के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है, एक डिवाइस जो है ना बाकी सारी डिवाइसेज के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है। अब यहाँ तो सिर्फ 5 डिवाइसेज हैं, लेकिन अगर यहाँ 100 डिवाइसेज होती तो मुसीबत में पड़ गए थे कि नहीं? बिल्कुल सर। तो ये बेसिकली इसके अंदर जो है ना वो रीजन है जिसको हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते, आगे जाकर देखेंगे कि ये कहाँ यूज हो रही है। अदरवाइज अगर आप लोग थोड़ा सा अपने इंटरनेट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये आप लोगों के पास जो है इंटरनेट जो बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है उसके अंदर मैच टेक्नोलॉजी काम कर रही है। मोस्टली डिवाइसेज जो है हमारे पास, उसमें ये तो नहीं है कि हर डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ऐसा जरूर है कि देयर आर मल्टीपल पाथ्स, मल्टीपल पाथ्स होते हैं, दैट्स व्हाई उसको मैच टोपोलॉजी कह देते हैं। और ये सबसे ज्यादा रिलायबल है, सबसे ज्यादा रिलायबल इसलिए है कि देयर आर मल्टीपल पाथ्स। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। सर क्वेश्चन पूछो। जी जी बेटा पूछे सर। इसमें अगर एक कंप्यूटर जो फॉर एग्जांपल जो सेकंड वाला कंप्यूटर है वो चाहता है कि मैं फर्स्ट वाले कंप्यूटर में से डाटा लूं, तो जो यूजर होगा फर्स्ट कंप्यूटर का वो सेंड करेगा तो सेकंड रिसीव करेगा या सेकंड खुद भी ले सकता है? अच्छा, सेकंड देखें बेटा, एक एक चीज होती है कि आप लोग जो है ना वो पीयर टू पीयर कनेक्शन के ऊपर है, पीयर टू पीयर कनेक्शन के ऊपर। और जस्ट लाइक अभी मौका मिला, अगर हमें फिजिकल क्लासेस हमारी हुई इस सेमेस्टर में, तो मैं आप लोगों को दो सिस्टम्स कनेक्ट करके उनको शेयर करके दिखाऊंगा कि एक तो यह है कि मैं डायरेक्टली दूसरे सिस्टम की हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब ये सिस्टम डायरेक्टली इस सिस्टम की हार्ड डिस्क को एक्सेस करेगा, एक तरीका है उसका, ठीक है। तो उसको वहां से डाटा को उठा के अपने पास पेस्ट कर लेगा, लेकिन बात यह है कि जब यहाँ से पेस्ट होना है इधर आना है तो यहीं से मूव होना है ना, इधर जी जी यहाँ से सेंड होगा तो यहाँ पर रिसीव होगा जी, सही है? यस सर। एक तरीका का ये होता है कि जैसे हमारे पास क्लाइंट सर्वर है, जैसे हम वेबसाइट ओपन करते हैं, फाइल डाउनलोड करते हैं, हम लोग यूट्यूब को एक्सेस करते हैं, हम लोग उसको कहते हैं जी www.youtube.com। तो यूट्यूब उस सर्वर से ओपन होके हमारे सिस्टम पे आ जाती है, हम उसका पेज जो है YouTube का अपने अपने सिस्टम पर देख रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपको मल्टीपल टाइमलाइन के ऊपर या वहां पर बहुत सारी वीडियोस नजर आ रही होती हैं, आप उनमें से किसी एक वीडियो पर क्लिक करके सॉन्ग प्ले कर लेते हैं, ठीक है जी। तो वो वहां से आपके सिस्टम पे थोड़ी पड़ी है वो वीडियो, वो वहां से सेंडिंग हो रही है आपकी सिस्टम पर आ रही है, आपकी सिस्टम पे आगे प्ले हो रही है, वहां पर डाउनलोड हो रही है आपकी मेमोरी में और आप उसको सुनते पा रहे हैं। बफरिंग डाउनलोडिंग होती है साथ साथ, डाउनलोडिंग से मुराद बफरिंग होती है, आपकी मेमोरी में लोड होता है डाटा, देन ही जाके प्ले होता है ना, कि नहीं? यस। चलो गुड। तो अभी हमारे पास लास्ट मिनट है, हमारी नेक्स्ट क्लास आज हमारी दो क्लासेस हैं, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो 3 बजे होगी, ठीक है जी? यस सर। जो लोग पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते हैं ना मेरे पास इसका रिकॉर्ड होता है, मैं खुद ही अटेंडेंस मार्क करता जाऊंगा वहां से। मम्मा रिजवान, इसकी डेफिनेशन है।